हेलो गाइस, दिस इज़ अभय अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑल। अपन पढ़ेंगे एससी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, चैप्टर 3 चल रहा है अपना। चैप्टर 3 एससी वर्मा का, क्वेश्चन नंबर 33 एक्सरसाइज का। ओके, तो सवाल क्या है? अ बॉल इज थ्रोन एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 60 विद दी हॉरिजॉन्टल। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। एक सिंपल सी बॉल है जिसको 60 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका गया है, तो बॉल क्या करेगी? एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी इस प्रकार का। ये एंगल जो है वो 60 दिया हुआ है, और जो बॉल की इनिशियल स्पीड दी है वो कितनी दी है? 40 मीटर। ये वाला जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड, वो दी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ज़मीन है अपनी नीचे वाली। ठीक है, अब क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच दी, यानी कि अपने को सवाल में ये पूछा है कि ये वाली जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका, तो यही जो है मैक्सिमम हाइट होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं? एच मैक्स बोलते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट? एच मैक्स। ठीक है, तो पहले पार्ट में बेसिकली अपने को ये निकालना है, तो ए पार्ट में अपने को एच मैक्स निकालना है। क्या करना है सुनना आप। देखो, इस 40 मीटर पर सेकेंड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स वाला और एक तो वाई वाला। ठीक है, 40 का ये थीटा, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, अच्छी बात है। 60 डिग्री। अब 40 का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20, वो आप लोग कर लेना, और ये हो जाएगा 20√3। कैसे हो जाएगा? सिंपली 40 cos 60 एंड 40 sin 60 करोगे तो आ जाएगा 20√3। ठीक है, तो बेसिकली एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट कितना दिया है अपने को? 20√3। और ऊपर ले जाने का काम कौन करता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? वाई कंपोनेंट करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ओके, तो अगर मेरे को एच मैक्स निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा? u² बाई 2g, तो यू स्क्वायर की जगह मैं क्या करूँगा? uy² बाई 2g करूँगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रखे अपन। यू की वैल्यू कितनी है? 20 का इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो, 20√3 का ये हो जाएगा 40, 400 इंटू, यानी कि 400 इंटू 3/2 × 10। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो राइट आंसर है। वो कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा नहीं। मेरा मतलब आप ही लोग करो, आप ही लोग को एक्सपर्ट बनना है कैलकुलेशन में, आप ही लोग का टाइम है अभी। ठीक है, तो अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में लिखा हुआ है द रेंज ऑफ द बॉल। रेंज यानी कि ये डिस्टेंस दी हुई है, इसको अपन बोलते हैं रेंज। तो यार इसमें मैं क्या बताऊँ, रेंज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। रेंज बराबर क्या होता है? u² sin 2θ/g। यहाँ पर u तो पता है अपने को कितना है, 40 है। थीटा अपने को पता है कितना है, 60 है। तो इट कैन ऑल्सो बी सॉल्व वेरी वेरी इजीली। प्लीज़ प्लीज़ इन फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लो, ये वाला और ये वाला, ये सबको याद होना चाहिए भाई। ये एकदम बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो इसको डेराइव नहीं करवा सकते अपन हर क्वेश्चन में, ये याद होना चाहिए। ऐसा प्लीज़ मत सोचना कि मैं एकदम फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मेरा फॉर्मूला याद करने में कोई विश्वास नहीं है, पर कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना 34। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।